Hello students, welcome to our online class. I will teach you social studies of class 3. This is your social studies book. Today we are going to learn lesson 3, our country India. आज वापस हम हमारा देश के बारे में इंडिया के बारे में इस लेसन में से पढ़ाई करेंगे. मेन फाइव पॉइंट है माउंटेन्स नॉर्थर्न प्लेन्स प्लेट्यू डेजर्ट आइलैंड्स. ये फाइव फिजिकल रिजन के बारे में इस लेसन में से हमें देखने के लिए मिलता है, पढ़ाई करने के लिए मिलता है. डू यू नो द नेम ऑफ अवर कंट्री. हमारा देश का नाम क्या है आपको पता चला है? इंडिया इज अवर कंट्री. हमारा देश का नाम इंडिया. इट इज ऑल्सो नाउन एज भारत. उसको भारत भी कहता है. इंडिया इज ए बिग एंड ब्यूटिफुल कंट्री. हमारा देश इंडिया बहुत बड़ा और साथ साथ बहुत सुंदर एक देश है. इट इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया में पढ़ाई में सेवंथ नंबर पर है हमारा देश. इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. पॉपुलेशन में इंडिया सेकेंड नंबर पर है. ओवर 135 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया. इंडिया में 135 करोड़ पीपल से ऊपर पॉपुलेशन है. चाइना विच इज अवर नेबर हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है. वो चाइना हमारा पड़ोसी देश है. वेल चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द एशियन कॉन्टिनेंट. एशियन कॉन्टिनेंट में बड़ाई में चाइना फर्स्ट नंबर पर है तो इंडिया सेकेंड नंबर पर है. फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ इट इज अबाउट 3200 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट इट इज अबाउट 3000 किलोमीटर्स वाइड. हमारा देश का इंडिया का लंबाई और चौड़ाई देखा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लंबाई 3200 किलोमीटर्स है. ऐसे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हम देखा तो 3000 किलोमीटर्स का चौड़ाई है. इट हैज मेनी हाई माउंटेन रेंज रिवर्स एंड प्लेन्स. इसके अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे माउंटेन्स पर्वत है, रिवर्स नदी है, प्लेन समतल जगह है. द थ्री मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में हम देखा तो पॉपुलेशन में तीन देश है. फर्स्ट चाइना, सेकेंड इंडिया, थर्ड यूएसए. लेट अस स्टडी द फिजिकल डिविजन्स ऑफ अवर कंट्री ऑन द मैप. अभी हम हमारा देश इंडिया का फिजिकल डिविजन के बारे में इस लेसन में से आगे देखेंगे. फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया माउंटेन्स नॉर्थर्न प्लेन्स प्लेट्यू डेजर्ट एंड आइलैंड्स. नंबर वन माउंटेन्स. माउंटेन्स आर वेरी हाई एरिया विद स्टीप स्लोप्स. इन द नॉर्थ वी हैव द ग्रेट हिमालयन रेंज. माउंटेन्स का मतलब बहुत ऊंचाई में, बहुत हाई ऊंचाई में होता है पर्वत होता है, पहाड़ होता है. हमारा देश का नॉर्थ साइड, नॉर्थ साइड में ऐसे माउंटेन्स है मेनली ग्रेट हिमालयन, हिमालयन रेंज है. हिमालयन पहाड़ है नॉर्थ साइड में है. दिस रेंज हैज सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. ये दुनिया में सबसे ऊंचा जगह है. द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. साल भर हम इसके बारे में देखा तो इसका अलग अलग है पीक चोटी होता है. ऐसे वो स्नो बर्फ से भरा हुआ है. द हाइएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द हिमालयस. सबसे ऊंचा जगह है दुनिया में माउंट एवरेस्ट. ये हिमालय का एक भाग
है. इट्स हाइट इज 8848 मीटर्स. इसका ऊंचाई कितने मीटर है? 8848 मीटर. मेनी रिवर्स लाइक द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र राइज़ इन द हिमालयस. इस जगह से ही पहाड़ के पहाड़ से बहुत सारे नदियाँ उद्भव होता है. उसमें मेन दो नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र. देर आर सम माउंटेन्स इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया टू. सिर्फ नॉर्थ साइड में नहीं है, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में आया तो उधर भी ऐसे माउंटेन्स है. मेनली द सतपुरा हिल्स आर इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया में सतपुरा हिल्स है. वेल द मेजेस्टिक नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स है. नंबर टू नॉर्थन प्लेन्स. प्लेन्स आर फ्लैट और लेवल लैंड. हाँ, समंदर प्रदेश को प्लेन्स कहता है. इन लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया यू विल सी फ्लैट और लेवल लैंड. नॉर्थ इंडिया में हम देखा तो बहुत सारे जगह ऐसे समतल जगह दिखाई देता है. दिस आर कॉल्ड द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड लाई साउथ ऑफ द हिमालयस. ये नॉर्थन प्लेन्स में ऐसे बहुत सारा समतल जगह है, वो हिमालय का साउथ साइड में आ रहा है. दिस एरिया इज ऑल्सो नोन एज गंगाटिक प्लेन. इस जगह को गंगाटिक प्लेन भी कहता है. मेनी रिवर्स लाइक द गंगा यमुना रेवी सतलुज एक्सेट्रा फ्लो थ्रू द प्लेन्स. इस जगह से ही नॉर्थन प्लेन्स में से बहुत सारे रिवर्स नदियाँ जा रहा है. दिस रिवर्स मेक द प्लेन्स फर्टाइल. मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रो हियर. इधर ये नदी ऐसे जाने के कारण उधर का जगह ये जमीन बहुत अच्छा गए किसके लिए? खेती बाड़ी के लिए. नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड आर ऑल्सो फाउंड अलोंग द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. और दूसरा ऐसे देश इंडिया में प्लेन से ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट. दिस प्लेन्स मीट एट प्लेस कॉल्ड कन्याकुमारी इन द साउथ. और ये वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ये दोनों मिलता है कन्याकुमारी में. ये साउथ में है. द रिवर्स विच फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स आर नर्मदा तापी महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी. और इस जगह से ये ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में से भी बहुत सारे नदी जाता है. नर्मदा तापी महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी. नंबर थ्री प्लैटू. नेक्स्ट पॉइंट प्लैटू. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज अनइवन एंड फ्लैट सरफेस. ये साउथर्न प्लैटू साउथ का एक बहुत बड़ा भाग है. साउथर्न ये प्लैटू है. इट इज हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स. द लैंड विच इज फ्लैट एंड हायर देन इट इज सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड ए प्लैटू. इधर का जमीन ऐसे समतल नहीं है. फिर क्या है ये प्लैटू? कैसा है? ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऊपर जाता है. एकदम प्लेन नहीं तो नहीं है. ऐसे है ये जगह ऊपर नीचे ऐसे प्लेन में जाता है. एकदम समतल नहीं है. द साउथर्न प्लैटूज कवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर कंट्री. हमारा देश में ये 5 फिजिकल डिविजन में सबसे ज्यादा जगह साउथर्न प्लैटू में है. द लैंड इन द साउथर्न प्लैटू इज रॉकी एंड हार्ड. इधर का जमीन बहुत हार्ड है, मजबूत है, साथ साथ रॉकी पत्थर से भी भरा हुआ है. द एरिया इज लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स. और हम पहले नॉर्थन प्लेन्स में देखा तो उधर का जमीन बहुत अच्छा है खेती बाड़ी के लिए. इतना अच्छा नहीं है ये साउथर्न प्लैटू का जमीन. नेक्स्ट डेसर्ट. ये डेसर्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड हैविंग वेरी लिटिल वाटर एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग इन इट. डेसर्ट एरिया वो रेगिस्तान. रेगिस्तान कैसा है? उधर बारिश बिल्कुल कम है.
इस कारण उधर ज्यादा पेड़ पौधा नहीं है, कम पेड़ होता है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। हमारा देश का नॉर्थ वेस्ट साइड है डेजर्ट है, उसका नाम है इंडियन डेजर्ट नहीं तो थार डेजर्ट। ये कौन से स्टेट में? राजस्थान स्टेट में हमें दिखाई देता है। द पीपल हियर लीड टू टॉप लाइफ, इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर। इधर रहने वाला लोगों का जिंदगी बहुत मुश्किल का जिंदगी है, उनका लाइफ है तरह आसान जिंदगी नहीं बिता सकता, क्योंकि उधर का क्लाइमेट ऐसे होने के कारण हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर। समर सीजन में दिन और रात बहुत गर्मी है। हाउएवर द नाइट्स आर क्विट प्लेजेंट एंड कूल ड्यूरिंग विंटर। विंटर में रात को बहुत ठंड होता है। इट रेन्स लिटिल इन द डेजर्ट एरिया, इधर बारिश कम होता है। देर आर ए फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रो हेयर, इधर ही कम पेड़ पौधा भी है। नेक्स्ट पेनिसुला, ये पॉइंट हम इसमें आइलैंड के साथ है, ये पॉइंट आता है पेनिसुला। लार्ज वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स सराउंड द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द लैंड दैट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड इज कॉल्ड ए पेनिसुला। पेनिसुला का मतलब तीन साइड पानी से भरा हुआ, वाटर से भरा हुआ जगह, ऐसा जगह को पेनिसुला कहता है। हमारा देश का साउथर्न साइड है पेनिसुला है, क्योंकि एक साइड में अरेबियन सी, दूसरा साइड में बे ऑफ बंगाल और नेक्स्ट साइड में इंडियन ओशन, ऐसे तीन वाटर बॉडी उधर होने के कारण हमारा साउथ साइड है एक पेनिसुला है। द इंडियन पेनिसुला हैज द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट साइड, वेस्टर्न साइड द बे ऑफ बंगाल ऑफ द ईस्टर्न साइड एंड द इंडियन ओशन ऑन द साउथर्न साइड, ऐसे तीन साइड में अलग अलग समुद्र के कारण हमारा साउथ साइड क्या है, वो पेनिसुला है। नेक्स्ट पॉइंट आइलैंड्स। द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइलैंड। चारों तरफ पानी से भरा हुआ जगह, इसके बीच में जमीन होता है, उसको आइलैंड कहता है। देर आर मेनी आइलैंड्स इन द वाटर बॉडीज अराउंड इंडिया। इंडिया में ऐसे बहुत सारे आइलैंड है। सम ऑफ दिस आइलैंड्स आर ए पार्ट ऑफ इंडिया। वन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में बहुत सारे आइलैंड है और अरेबियन सी में भी बहुत सारे आइलैंड है। ये सब इंडिया का भाग है। दिस आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड्स है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स इन अनदर ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, ऐसे बहुत सारे आइलैंड इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट आवर क्लाइमेट। द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स एंड फॉरेस्ट लीड इट टू डिफरेंट क्लाइमेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का फिजिकल डिविजन अलग अलग तरीके में होने के कारण, ऐसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यू वगैरह होने के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का क्लाइमेट है। इन नॉर्थ इंडिया द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड। हम नॉर्थ इंडिया में देखा तो गर्मी के सीजन में बहुत तेज गर्मी होता है, तो सर्दी है तो बहुत तेज सर्दी भी होता है, ऐसे क्लाइमेट है। द माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और ऐसे माउंटेन्स के जगह पर देखा तो हमेशा कोल्ड क्लाइमेट है। इन कोस्टल प्लेस इट इज नियर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ऐसे हम कोस्टल एरिया में देखा तो उधर गर्मी भी है और ऐसे पसीना आने का ऐसे मौसम होता है। इस कारण इंडिया के अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का मौसम
क्लाइमेट है। ओके, थैंक यू।